आचना छपड़िया ये फिर आ गया और क्या और कहाँ जाऊँ दूसरा कोई लेता नहीं मुझे अपने चैनल पे इसलिए मैं अपने ही चैनल पे आ जाता हूँ। अरे क्या चल रहा है भाई साहब एक ही चीज चल रही है एनिमल। मैं मजाक नहीं कर रहा मैं ऑलमोस्ट इतना आज मैं वीडियो स्किप कर देता। मैं जा रहा था थिएटर मैं सर्च कर लिया था भाई खाली है टिकट मिल रही है और टिकट मिल भी रही थी मेरा यार 3 घंटे की फिल्म है थिएटर में जा चला भी जाऊँ मैं बट क्या वर्थ रहेगी जाने के लिए। बट फिर मैं इस माइंडसेट में था फिर मैं यूट्यूब सर्च कर रहा था भाई सब सबके सब पकौड़े हरामी रिव्यूअर ट्विटर घिना रखा सब ने सब इतनी तारीफ कर रहे मैं फिर मेरा मन डगमगा गया कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर मैं कहा हिरन कम हियर डू योर जॉब। अबे साले फिर हिरन मेरे पास आया बोला हिला के सो जा नहीं मिल रही। भाई मजाक नहीं कर रहा एनिमल की इतनी तारीफ कर रहे हैं ना और मोस्टली जितने भी मैंने रिव्यू देखे 5-6 देखे मैंने जितने भी मेन तुम सोच सकते हो बड़े बड़े नाम रिव्यूअर्स वो फिल्मी वाले मत बोलना उसको छोड़ दो और सुचित्रा त्यागी भी छोड़ दो इन दोनों को ही नहीं देखता मैं बाकी सारे देख सकता हूँ मैं पता नहीं क्या मैंने सबका देखा और सबका ना मोस्टली यही कहना है अगर तुम खून खराबा नहीं देख सकते ये फिल्म मत देखो। मैं कहा मैं नहीं देख सकता बट मेरे को देखना है मेरे को फोमो नहीं चाहिए। अरे भाई बहुत सही रिव्यू है और आई लव रणबीर कपूर मैन मेरे को जाके देखना है। अब वही है कल सुबह जाऊंगा या फिर कल शाम में जाऊंगा तो कल तो ऐसा है वीडियो आएगी जरूर बट 10:30 बजे आएगी। अगर आज रात में हिरन ने अपना काम ढंग से नहीं किया तो कल मैं थिएटर में जाके देख रहा हूँ। चल झूठा ये सब तो रिव्यूज थे चलो ये एक्साइटेड कर रहे हैं कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है और ऊपर से ना एक डायलॉग बहुत वायरल जा रहा है और ये संदीप रेड्डी वांगा का कि इफ यू थिंक दिस इज वायलेंस आई विल शो यू व्हाट वायलेंस इज तो रो दिखा दिया और उसके बाद साले जो थिएटर में जा रहे हैं हरामी तुम्हें फोन यूज करने तो कौन दे रहा है चलो ठीक है नहीं मिल रही हिरन को फिल्म पायरेसी में बट तुम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो साले तुमने पैसे दिए तुम हमारा मूड क्यों खराब कर रहे हो। चला अभी वो सीन देख रहे तुम अभी ट्विटर पे जाओगे ना तुम्हें सबको पता है वो स्कूल और कॉलेज वाला सीन कि उसकी बहन को कोई छेड़ देता है रणबीर सिंह रणबीर कपूर आता है कहता है किसने छेड़ा ये कॉलेज स्टूडेंट के बच्चों से सुनेंगे फिर वो गन लेके आता है सर 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 मैंने कहा ये तो स्वैग हो गया और जहाँ स्वैग वहाँ मैं मुझे भी चाहिए स्वैग मैं पीछे क्यों हटूँ। फिर दूसरी क्लिप देख रखी है वो यहाँ पे नंगा नाच रहा है नंगा घूम रहा है अपने ही घर में मैंने कहा किसको दिखा रहा है सब देखा हुआ है मतलब जिनको दिखा रहा है अगर उन्होंने पैदा किया कहाँ नहीं वाइज बोल रहा हूँ मैं कुछ भी। फिर तीसरा तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगा सर वो लटकता है बालकनी से हाथ काट देता है एक बंदे में ये मेरे को देखनी है भाई ये तो KGF से ज्यादा लग रहा है मुझे वायलेंस वायलेंस आई लव वायलेंस। हाँ तो आज रात में अगर आ गई तो ठीक है वरना कल मैं गायब हूँ हो सकता हूँ बट मैं पूरी कोशिश करूंगा रिव्यू मारने का पूरा ऑनेस्ट रिव्यू क्योंकि लोग पता क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट हाफ तो भाई साहब ये एक नंबर आग 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 क्योंकि फर्स्ट हाफ में बेसिकली 2 या 3 टाइमलाइन चल रही है और फिर सेकंड हाफ में 1 टाइमलाइन चल रही है कहानी मुझे सब पता है सब क्यों पता है मुझे क्योंकि लोग हरामी है देख ली तारीफ करो साले प्लॉट क्यों बता रहे हो मुझे बट अभी तक एंडिंग नहीं पता कहते क्रेडिट सीन मत भूलना मेरे को पता है धोखा मिला को उसको पकड़ लेगा वो जो लड़की है सीन में दिख रही है उसके साथ मचाया हुआ है उसने अब वो बोलता है एंड में कि अगर मेरे से शकल मिली तो मेरा वरना उसका था जिसको मैंने मारा है वो और काफ़ी आयरोनिकल सीन नहीं लगता ये मतलब सिमिलर नहीं लगता जो बॉबी देओल का हमने देखा था खून खून वाला और फिर एंड में जो रणवीर कपूर का क्लिप देखने में मिल रहा है मेरे को काफ़ी सिमिलर लग रहे दोनों ही एनिमल थे क्या अब वो देखूंगा तभी बताऊंगा बाकी एनिमल से रिलेटेड इतना ही है अब किसको झाड़ेंगे वेव को कोविड वेव नहीं ये कोविड से भी खतरनाक है कौन कृष्णा भगवान नहीं रैपर कृष्णा वो डॉलर साइन वाला तो बेसिकली क्लिप है जहाँ पे कृष्णा बोल रहा है कि मैं फर्स्ट वेव हूँ बाबा साइकिल के साथ और प्रभदीप उसको बोल रहा है कि नो ब्रो वी आर द सेकंड वेव। अब वेव क्या है मैं बता दूंगा तुम्हें बाद में छोड़ो मेरे को भी समझ में आना चाहिए पहले। अब पता क्या मुझे मालूम है ये जोक कर रहा है अब तक बट इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है मैं कहा पकौड़ी देना इधर तेरे को रैप सिखाऊं मैं रैप तो तेरे को आता ही है लॉजिक सिखाता हूँ मैं 1992 में ठंडा ठंडा पानी आया है बाबा सेगल के साथ तू कंपेयर कर रहा है कितने साल कब का पैदा हुआ तू एज क्या है तेरी 36 का है ना मेरे ख्याल से 1987 में पैदा हुआ है मेरे से कितने साल 4 साल बड़ा तू है 4-5 साल में 5 साल की उम्र में लिख रहा था मैं ठंडा ठंडा पानी भाई साहब फर्स्ट में पता क्या है कि जिन्होंने एक्चुअली बिजनेस बना लिया ऐसे नहीं इंडिया में रैपर्स की कमी है बहुत सारे रैपर्स हैं बहुत टैलेंटेड रैपर्स हैं जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए कुछ तो ऐसे जिन्होंने फैमिली
सिचुएशन वाइज छोड़ दिया है, वरना इतने सारे रैपर थे ना इन, जब ऑर्कुट पे चैट रैप होती थी मतलब लेजिट, जब रिकॉर्ड करने के इक्विपमेंट नहीं होते हमारे पास, ऑर्कुट पे बैटल चलती थी भाई, लेजिट बैटल चलती थी कि टाइप करो और फाइट करो जो भी है लिरिकली, मैं तब से फॉलो करता आ रहा हूँ। फिर इनसिग्निया डे भाई, जहाँ पे जितने भी अंडरग्राउंड रैपर्स थे जो ऑडियो अपलोड कर रहे थे उनकी एक मिक्सटेप बनाई जाती थी, और तेरा भी पता है मुझे तू कब आया है कब आया है बहन के, सिकंदर गालो फिर भी मैं मान लूंगा, बादशाह, बदमाश, प्लस 91, ब्रासिक, और भी इतने सारे रैपर्स हैं जो अब हैं भी नहीं, ए बैस भी बहुत बाद में है, बाद में भी क्या है, 2-3 साल का डिफरेंस है, बादशाह और हनी सिंह, हनी सिंह वो बंदा है जिसने कमर्शलाइज कर रखा है, 2006 से पहले कौन सा गाना फिर जानते हो तुम रैप में जो कमर्शियली हिट था, उससे पहले मतलब बाबा साइकिल का ठंडा ठंडा पानी हटा दो, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर रैप एल्बम करी थी जिसके बारे में तुम में से किसी को नहीं पता और हम बजाएंगे भी जिसमें, हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, लिल गोलू, इक्का, ये है फर्स्ट वेव जिन्होंने कमर्शलाइज किया है, ब्रदर वी, NWA, प्रधान, प्रधान का क्या ग्रुप का नाम क्या था यार, मैं नाम भूल गया, बहुत प्यारा गैंग था वो, पूरा गैंग का बड़ा ग्रुप था, चड्डी बदलना है आदत, चड्डी महगना है आदत, भंडारे में खाना है आदत, फ्रेंड जोन होना है आदत कुछ आर्टिस्ट ऐसे जिनके मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ मैं बेस्ट, अरे वो गाने के लिए रख रियल लाइफ में तो लॉजिकल हो ना कि हम कल्चर कौन सा कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, गेड़ी लगाने आदत, ये ले मैंने 2 मिनट में लिखा है, लिखा भी नहीं ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया था मैंने, कौन से कल्चर की बात कर रहा है तू, जो टॉपिक जो बेसिकली क्या बोलता है कि ये कल्चर जो है उसको उससे आप सीखते हो फिर अपने निकालते हो, ठीक है ये मैं मान लिया, ठीक है ये एग्रीड है, पढ़े लिखे बच्चे ऐसी ही बात करते हैं, बट फिर ये बोलता है कि एक बंदा जिसने कल्चर फॉलो नहीं किया उसने अपना अंडरस्टैंडिंग नहीं लिया तो वहाँ पे 50% दिया, और अगर ऐसे में वो ऑडियंस गेन कर लेता है तो वहाँ तो 50% वैसे ही गया ना, यहाँ पे टेक्निकली बन टाइप पे शॉर्ट्स हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ रैप रिदम एंड पोइट्री है, अगर तुम ये कर सकते हो ना दो चीज़ें एक साथ तुम रैपर, इतना सिंपल रखता हूँ मैं, जरूरी नहीं है रैप में तुम्हें वही दिखाना है कि मेरा कल्चर ही है, इसलिए मैं कृष्णा को भी इस टॉपिक पर ये नहीं बोलूँ कि हाँ हम कल, तूने कोई कल्चर रिप्रेजेंट नहीं किया भाई, डिवाइन अगर बोलेगा ना मुझे कि मैं कल्चर को लेके आया हूँ या कल्चर पे कहानी सुनाता हूँ या बंटाई मुझे बोलेगा मैं मान लूंगा, ये टॉपिक उनके मुंह से कभी नहीं आएगा, ये वही फुद्दू लोग बोल सकते हैं जिनके पास कोई लॉजिक नहीं होता, प्रभु समझा रहा उस चीज को समझ नहीं आया मैं तो, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और लोग इसको भी डिफेंड कर देंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सेकेंड वेव हो प्राउडली लो, ओन करो उस चीज को, बट डिसरिस्पेक्ट मत करो जो फर्स्ट वेव लेके आए भाई, अगर तुम यही करते रहोगे ना मेरे ख्याल से थर्ड और फोर्थ वेव तो खत्म हो जाने वाली है, तुम बोल रहे हो बहुत ऊपर ले जाएंगे, ये सैचुरेशन पे आ जाएगा भाई बहुत जल्द आ जाएगा, ये तो मुझे पता है मेरे बच्चे हैं उससे पहले सैचुरेटेड हो जाएगा ये, जोर तो जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, 2000s में भी जब आप आए हो उससे पहले भी बहुत सारे रैपर थे जो आपसे आपके जितने या आपसे थोड़ा कम टैलेंटेड थे, धीरे धीरे वो हट गए क्योंकि दुनिया ऐसे ही काम करती है, आप लगे रहे इसलिए आप यहाँ पे हो, चाहे कोई भी नाम उठा के बोल लो आप इंक्लूडिंग मी, मैंने हमेशा से रैप हॉबी के लिए किया, चाहे तुम रैपर मानो या ना मानो, आई डोंट केयर, मैंने फॉलो किया है, मेरे को मालूम है जिस कल्चर की तुम बात करो मैंने सुना है उसको भी, मैं अपने कल्चर पे भी गाने बनाता हूँ, मेरे पे बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो रिलेटेबल हैं, बट मैं हमेशा वो नहीं लिखता हूँ, मेरा जो मन है मैं वो लिखता हूँ, अब कोई रैपर माने ना माने मैं खुद को नहीं मानता, बट अगर तुम मेरे गाने को बोल रहे हो अच्छा है बेकार है जो भी है वो तुम्हारी चॉइस है, बट मेरे को रैप पसंद है, मैं करता है रैप, मेरा है वो मेरा रैप है, मुझे पता है कॉन्सेप्ट, ये मेरा इनपुट है, इस स्टाइल से मैं करूंगा, बट आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं किसी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए, और स्पेशली अपने आप को ओजी बोलने के लिए, आपसे पहले भी थे, जब आप आए तभी भी मैं फॉलो कर रहा था, और आपसे पहले मैंने भी गाने डाले हुए, इतिहास खोल के दिखा दूंगा मैं, मच्छर विद एटीट्यूड काफी सही था यार, इवन प्रधान का यार गैंग का नाम क्या था, रुको बताता हूँ मैं, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बहुत टाइम लग गया ढूंढने में, देसी भीम नाम है, मेरे को गाना याद आया बोहिमिया के साथ वाला, बंदूक का चाकू छुरी या तक दारू दिया बोतला देसी भीम करके एक ग्रुप था उनके साथ, बोहिमिया का गाना आया था, इसका एक रैप था, प्रधान मंत्री नहीं मैं हूँ सिर्फ प्रधान, हिंदी रैप पे राज करना मिला मुझे वरदान, हनी के साथ मिलके कितनों की हड्डियाँ तोड़ी कितनों को जिंदा हट, आज तक याद है मुझे वो लाइन है, बहुत सारे रैपर्स थे यार, तो रिस्पेक्ट करो ना ओजी को, ऐसी बकवास मत करो ठीक है, बाकी अगर देख लिया इतना तो ठीक है, नहीं देखा तो इंजॉय करो, मेरा क्या पीस आउट, अभी एंडिंग सोची नहीं थी मैंने, भाग गया यार बजा दिया मैंने गाना, मैं ये इंजॉय करता हूँ, तुम ये वीडियो देख लो, देखना है तो चलो बाय, तू न्यू बता तू छोड़ा किस पे आ रहा है, मेरे यारी की छोरे का कल शर्म ने फोड़ा है।